चलो भाई आज कूलाम्स ला का लास्ट वाला पार्ट करते हैं, वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलाम्स ला। ठीक है, इसको खत्म करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलाम्स ला, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। छोटा सा टॉपिक है, आप बड़े आराम से समझोगे। कूलाम का नियम क्या कहता है? देखो, एक पॉइंट चार्ज यहाँ Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ Q2 और बीच की डिस्टेंस r, इतनी सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। हमें निकालना क्या आता है? फोर्स निकालना। और F की वैल्यू कितनी आती थी? 1/4πε₀Q1Q2/r²। ठीक है, ये फोर्स का क्या चीज है? ये जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। फोर्स का क्या है? परिमाण है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है। और आप एक चीज बताओ, ये फोर्स जो होती है ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। तो सदिश राशि की कहानी क्या होती है? इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस इसमें क्या होगी? डायरेक्शन। ठीक है, दो चीजें होती हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था, ये निकालना हमें आ गया था, चाहे किसी भी तरह की चीज दे दो। अब हम कूलाम्स लॉ को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी आपको पता लगेगा और उससे डायरेक्शन भी आपको पता लगेगी। अभी तक क्या हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते और डायरेक्शन को हम लॉजिकली निकाल लेते कि चलो ये प्लस है तो इधर फोर्स लगेगा, ये माइनस है, ये प्लस है तो इधर फोर्स लगेगा, ये हम अपने लॉजिक से निकाल लेते। अब क्या करेंगे, एक एक जस्ट फॉर्मूले के अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इतना काम आपको करना है इस वाले चीज में। चलो देखते हैं कैसे होता है। मान लो हमारा एक चार्ज पार्टिकल है Q1 का यहाँ पे है, और आपको 11th में पढ़ा होगा इसकी लोकेशन बताने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना होता है। तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर लेते हैं भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मन करे आपको जेड एक्सिस भी बना लो, कोई इशू नहीं है। ये हमारा पोजिशन वैक्टर है R1 वैक्टर। अब सारी चीजें वेक्टर के फॉर्म में होंगी, तो आपको पहले दूसरे क्लास में ही बता दिया था, आप वेक्टर को पढ़ लेना अच्छे से क्योंकि बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज हमारा Q1 है, पोजीशन वेक्टर हमारा R1 है। दूसरा पॉइंट चार्ज हमारा यहाँ पे हमने ले लिया Q2, और पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने R2। ठीक, चलो अब आप बताओ, एक पॉइंट चार्ज ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है, फोर्स लगेगा। अभी आप फोर्स लिखो, एफ कितना बन गया आपका? 1/4πε₀Q1Q2/r²। आर स्क्वायर में आपको यूज क्या करना है? आर वन का स्क्वायर यूज करोगे या R2 का स्क्वायर यूज करोगे? तो इन दोनों में से आप कोई यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जो ये आर होती है ये दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है, और ये बीच की डिस्टेंस हमारी ये बन गई, मान लेते हैं हम इसे आर वेक्टर। ठीक है, लिख लिया आपने मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। ठीक, ये तो अभी आपको क्या बता रहा है भाई? मैग्नीट्यूड बता रहा है। अब आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि ये एक ऐसा फॉर्म होगा जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। तो पहले हम चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, प्लस चार्ज फोर्स जो लगा वो इधर की तरफ लगा लगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, पहले चलो इसकी बात करते हैं। तो अब ये तो हमारा पूरा का पूरा पोर्शन मैग्नीट्यूड बता रहा है, और डायरेक्शन इसकी कौन किधर की तरफ है? आर वेक्टर की डायरेक्शन में है। और 11th में आपने एक बहुत ही छोटी सी चीज पढ़ी थी, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, ये क्या होता है? एकांक सदिश वो सदिश होती है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और उसका यूज किस लिए करते हैं? केवल डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, देखो जैसे मान लो हमारा ये ए वेक्टर है, और अगर हमने इसके ऊपर कैप पहना दिया, मतलब ये क्या बन गया?
यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, जो डायरेक्शन आपके ऊपर वाले वेक्टर की है, ठीक है। तो ये हमारा परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, और इसे हमें बनाना है, डायरेक्शन भी दे दी है। तो डायरेक्शन आपको किधर समझ में आ रही है, आर वेक्टर की डायरेक्शन समझ में आ रही है, मतलब हमें क्या आर कैप पहना तो इस पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, एक आपके बुक में नोटेशन देता है, ये चार्ज नंबर वन, ये चार्ज नंबर टू, ठीक। अभी आपने जो फोर्स निकाला है वो चार्ज नंबर वन पे निकाला है कि टू पे, तो दोनों पे ही है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो सेम होगा। अभी हम बात करें क्यू टू की, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और ये वेक्टर फॉर्म में तुमने लिख दिया वेक्टर। इतनी सी बात समझ में आई, खेल केवल इसका है यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर आप जानते हो क्या होता है, केवल रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। अच्छा, अब ये जो आर वेक्टर है, ये आप वेक्टर के फॉर्म में देखो तो आपका क्या बनेगा, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, 11th क्लास में पढ़ा होगा, मन करे तो आप इसको रख दो यहाँ पे, तो एफ टू वन वेक्टर आपका क्या बना, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R की जगह क्या, मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्या, ठीक। एक और तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का। एक चीज और देखो, A कैप जो होती है हमारी वो कितनी होती है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, ये सारी 11th की चीज है, इसको मैं यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं कर रहा, आई थिंक आपको सब पता होगा। आप यहां से अगर आर कैप निकालो तो क्या बनेगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर, ये बनेगा, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, एक फॉर्म आपको और मिल गया, एफ टू वन वेक्टर कितना, 1/4πε0 Q1 Q2, ठीक। R कैप की जगह क्या, R वेक्टर, R कैप की जगह R वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R स्क्वायर ये है और मॉड ऑफ R ये है, मतलब क्या बना, मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब, ये आपको मेरे हिसाब से आप इसे ही रट लो। एक और रिप्रेजेंटेशन देख लो, बस एक ही चीज है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, घुमा फिरा के बुक्स में 50 तरह की चीजें आपको मिलेंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इस वाले फॉर्म में लिख लो तो क्या बनेगा आपका, एफ टू वन वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू इंटू आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ आर टू माइनस आर वन वेक्टर का क्यू। तो आपको चीज एक है, घुमा फिरा के आपने इतने तरीके से रिप्रेजेंट किया, इसे आप राइट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको एफ ऑफ वन टू वेक्टर निकालना है, ध्यान देना थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा किनारे का मिटाता हूं, बस आपको स्पेस थोड़ी कम है। अभी हमने क्या निकाला, एफ टू वन मतलब क्या, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दूसरे पे जिस पे फोर्स लगेगा उसको पहले लिखा, उसके जिसकी वजह से लगा उसको बाद में लिखा। अगर हमें निकालना हो एफ ऑफ वन टू वेक्टर, तो ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, कुलाम साहब ने बता दिया, क्या डायरेक्शन बदल जाएगी भाई, ये प्लस इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन इधर, हमें बात इसकी करनी है, तो इस प्लस की वजह से फोर्स की डायरेक्शन किधर बनी, इधर बनी। तो फॉर्मूला तो सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूला आपका सब कुछ सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है, आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है, और डायरेक्शन अपोजिट शो करने के लिए हम एक साइन यूज करते हैं, माइनस साइन। आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट केसेस में फिजिक्स में माइनस साइन का मतलब क्या, रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो F21 equal to F
वन टू इक्वल टू एफ टू वन आप लिख सकते हो। मैं ये तो हटा दो क्योंकि ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड है, ठीक है। और आपको पहले ही पता है मोड ऑफ एफ वन टू इक्वल टू मोड ऑफ एफ टू वन, इतनी बात ये हो गई आपकी। तो इतना तामझाम करने से अच्छा एक छोटी सी चीज आप देख लो, इसको आप राइट डाउन करो, बाकी एक छोटी सी चीज बताता हूं, उसी से आपका सारा कुछ हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, हम इतना ज्यादा ये कुछ करने की जगह हम केवल इसको पकड़ते हैं, सारी चीजों को मैं मिटा के बस ये वाली लाइन लिख रहा हूं। कॉमन सेंस यूज करो, हम एक काम कर रहे हैं भाई, हमें माइनस साइन डायरेक्शन अपोजिट का बहुत सारा लोचा समझ में आ रहा है, तो हमने क्या किया, एक कन्वेंशन बना लिया, क्या कि भाई फोर्स जो निकलेगा वो तो इतना होगा, ये जो आर वेक्टर है इसको हमने लिख लिया एफ टू वन, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ आर क्यू। ये हमारा बन क्या आया, आर वेक्टर क्या चीज है, आर वेक्टर क्या चीज है, देखो अगर हमें फोर्स टू पे निकालना है तो हमें आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर माननी है, ये लॉजिक है, बस इसको समझो, आपको बुक्स में शायद ना मिले। अगर हमें फोर्स टू पे निकालना है तो आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, टू की तरफ। फोर्स वन पे निकालना है तो आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, वन की तरफ। मतलब ये हम लिख सकते हैं आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। थोड़ा सा बाइलिंगुअल लिखो, मजे लो, मजे लेके पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, उस साइड होगी जिधर हमें फोर्स निकालना है। अब सिंपल हो गया बेटा आपका, देखो टू पे निकालना है, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये बनी, हो गया काम। वन पे निकालना है, अब आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर बन गई, इधर बन गई, ठीक है। प्लस वाले केस के लिए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सपोज करो कि हमारे पास ये चार्ज माइनस क्यू टू है, अब तो आपका गलत, क्यों, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सेम आनी है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाएगी, और यहां पे आपकी डायरेक्शन उधर वाली बता रही है, तो डायरेक्शन रिवर्स हुई। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ये किया कि इन चार्जेस को इनके साइन के साथ रख दिया, इन चार्जर्स को इनके साइन के साथ रख दिया। अब देखो सेम है भाई, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, आगे माइनस लगा दिया, डायरेक्शन किधर बन गई, अंदर की तरफ, ठीक है। तो हमें इसमें दो चीज का ध्यान रखना है, पहली चीज क्या कि आर वेक्टर की डायरेक्शन उस पॉइंट चार्ज की ओर होगी जिस पे हमें फोर्स निकालना है, सेकेंड चीज क्या Q1 और Q2 को विद साइन प्लेस करना है, विद साइन प्लेस करना है, ठीक है। Q1 और Q2 को विद साइन प्लेस करने का मतलब क्या, अभी देखो आप जितने सारे इसके पहले आपने क्वेश्चन किया होगा उसमें आपने बस Q1 और Q2 की वैल्यू रखी होगी, वो 5 कूलम है माइनस 5 कूलम, इससे आपको कोई मतलब नहीं था, क्यों, क्योंकि आपको केवल चाहिए था मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो आप लॉजिक से निकाल रहे थे, डायरेक्शन आपने क्या किया था, लॉजिक से निकाला था। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज है कि ये वाला जो फोर्स है इसी के अंदर आपको डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी है,
तो डायरेक्शन इंक्लूड करने के लिए हमने क्या किया, इनको साइन के साथ रखा और आर वेक्टर की डायरेक्शन को क्या किया, उस पॉइंट चार्ज की तरफ इंडिकेट किया जिस पॉइंट चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है। सिंपल बन गया है आपका। और आपको अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना है तो क्यू वन और क्यू टू को साइन के साथ रखो। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड लो, क्योंकि साइन आपको रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, और वो आप लॉजिक से भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये आपका था वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी चीज, छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। अब आई थिंक इतनी आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो गई होगी कि आप वो चीज समझ सकते हो। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पिछली क्लास से रिलेटेड बताता हूँ कि क्या है वो। देखो, फोर्स जो आती है वो कितनी आती है, 1/4πε0q1q2/r2। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। और जैसे ही आप मीडियम चेंज करते हो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से फोर्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। फोर्स की वैल्यू क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। क्यों डिक्रीज कर गई, कैसे कर गई, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, बस 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने सपोज कर लो यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा Q1, और इससे सम डिस्टेंस कुछ दूरी पे यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा Q2, यहां पे आपने पॉइंट चार्ज डाल दिया Q3, और यहां पे पॉइंट चार्ज डाल दिया Q4। ठीक है, बीच की कुछ भी डिस्टेंस है, इसको मान लो R1 है, ये डिस्टेंस आपकी R2 है, और ये डिस्टेंस आपकी R3 है। F12 लिखा हमने, मतलब क्या, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, एक पे लगने वाला बल दो की वजह से। मान लेते हैं रैंडमली कैलकुलेट हमने किया, 2 न्यूटन आया, कितना आ गया, 2 न्यूटन। F1/3 फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, एक पे लगने वाला बल 3 की वजह से, मान लिया 4 न्यूटन है। ठीक है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर, एक पे लगने वाला बल किसकी वजह से, 4 की वजह से, 5 न्यूटन मान लेते हैं। 3 चीज अभी इस वाले केस के लिए। अब एक काम करो, इस चार्ज को हटा दो और इसको भी हटा दो, क्या इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो 2 न्यूटन रहेगा या उससे कम ज्यादा हो जाएगा। तो भाई देख लो, F12 जो आएगा वो कितना आएगा, रे यार F12 जो आएगा, चाहे चार्जेस रहे चाहे ना रहे, 1/4πε0q1q2/r2 ही तो होगा, वैल्यू चाहे रखो चाहे ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ती। ठीक है, तो एक यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया क्या, कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज के प्रेजेंस या अब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इस बात को आप लिख लेना, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज के प्रेजेंस और अब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गई होगी इतनी बात। चलो मीडियम चेंज करके हम देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे मान लो आपने इन दोनों चार्ज पार्टिकल को Q1 और Q2 को स्टार्टिंग में एयर में रख दिया, और फोर्स की वैल्यू आई 50 न्यूटन। अब इन चार्ज पार्टिकल्स को आपने प्लेस कर दिया वाटर में, तो वाटर में आप जैसे ही प्लेस करोगे, वाटर क्या होता है, H2O, O पे कैसा साइन है, नेगेटिव, और H पे कैसा, पॉजिटिव। तो इसको सारे, ये प्लस है तो सारे नेगेटिव घेर लेंगे,
घेर लेंगे। चलो, जब ये एयर में रखे थे तो 50 न्यूटन का फोर्स लगा था इधर की तरफ, जब वाटर में रखोगे तो इसे क्या कर लिया, नेगेटिव, सारे नेगेटिव ने घेर लिया। अब देखो यहाँ भी पॉजिटिव है तो इसके कुछ नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ी तो यहाँ पे ये चार्ज प्लस और इधर माइनस, थोड़ा सा फोर्स तो इधर की तरफ लगेगा ही लगेगा। इस पे नेट फोर्स कितना आया, पहले था 50 न्यूटन, अभी मान लेते हैं 5 न्यूटन का, माइनस 5 कितना बन गया अब आपका 45 न्यूटन। तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि मीडियम में डालने पे चार्ज के फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, इतना मेरी साइड से पुला मुसला आपका खत्म हो गया है। अब आपका काम है आप कॉन्सेप्ट को सीखो, क्वेश्चन लगाओ। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे।